सुबह ना कुक्कड़ बोलने शुरू हो गए। गुड मॉर्निंग। तो टाइम हो गया कुछ 9 बज गए हैं। सुबह सुबह नहीं बोलेंगे पर यहाँ के हिसाब से मॉर्निंग हो चुकी है बहुत ही जल्दी। आज हम उठ गए थे कुछ 7:30 उठ गए थे क्योंकि आज प्लान ये है कि हमारे को जल्दी जल्दी से निकलना है, उसके बाद बस्कोन में पहुँचना है और काफ़ी लोगों को कल का पोका का हैंगओवर भी है। तो अभी सब चाय वाय पियेंगे। चाय बन रही है अदरक तेज पत्ता डाल के, बहुत ही क्वालिटी वाली चाय बन रही है। चाय बना रहे हैं मटर बना रहे हैं। ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। इधर इधर कैमरा मारे देखो, पीछे बैक ऑफ द कैमरा कौन कौन लोग हैं यहाँ पर, मैं दिखाता हूँ आपको। हेलो मेरे दोस्तों, ब्रो, देखो यो, कल जो कुछ भी तुमने देखा उसमें मेरा कोई हाथ उसमें सिर्फ पोका का था, पोका था। मैं बहुत सोबर आदमी है, बहुत बहुत मतलब डीप बातें लिखता है। कनेक्ट मत करना दो चीजों को। तो बिना जजमेंटल हुए ये ब्लॉग देखना क्योंकि क्या होने वाला हम भी नहीं जानते। हम भी जो जो चीज़ें हो रही हैं उसको जी रहे हैं और उसके चिल कर रहे हैं, उसके मजे ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आपने ये किया आपने वो किया, ये भी ज्ञान क्यों दे रहा हूँ। इन्जॉय करो द व्यू। क्या यार रहता मॉर्निंग में मेरी बातें कहाँ सुन रहे हो, इन्जॉय। अब सोचो जी ऐसी जगह पर चाय पीने का क्या मजा आएगा। चीयर्स चीयर्स दोस्तों, चीयर्स। तो फाइनली जी हमारा डे 2 स्टार्ट हो गया, रेडी है सब के सब। सब खूबसूरत लग रही है, तू ठीक लग रही है, ठीक है, तेरा बजट भी है मतलब तैयार होने का। और आज ना आज बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है कि कुछ लोग बोल रहे हैं वेन्यू पर चलते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि बाहर चलते हैं, पर सीन ऐसा है कि हमने डिसाइड किया है वेन्यू पर जा रहे हैं, ठीक है। चलो बाकी सब लोग वहाँ पर पहुँच गए, हमारा ग्रुप ये इधर है तो हमको टाइम लग रहा है। ये जी हमारे कुछ यहाँ पर हम अंदर जैसे ही एंटर किया, ये कुछ इनके पास तलवारें वलवारें दिख रही है, दिखाइए ना एक बार कैसा है, देखो क्या बात है। पकड़े हम हिला भी दीजिए, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा क्या बात है, ये कहाँ का कौन सा ट्राइब का होता है ये? तो हिप्पी एक्साइटमेंट लेवल आज का कैसा है? डबल है, डबल डबल है। और पोका के लिए तो एक्साइटेड नहीं है ना तू हीरो? सच 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 बता दे, देख कोई तेरे को जज नहीं करेगा, सच सच बता। पोका तो पीना ही पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? ये इस आउटफिट को बोलते क्या है, थोड़ा बताया जाए। ओके, इसका मेन मतलब ये है, बेल्ट पहना गया है। ओगी 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 ओके। देखो तो ये कौन सा परफॉर्मेंस अभी करने वाले हो आप? मेंबर ट्राइब। मेंबर ट्राइब, ये जो लड़कों ने पहना हुआ है इसको क्या बोलते हैं? इसको हमारा मेंबर ड्रेस जो है, इसका अलग अलग नाम हुआ है। इसका क्या नाम है? बुगी। बुगी, ओके सही। ये जो है छुपा है, गोपी, ये छुपा, ये छुपा इसको कहते हैं, ठंगा, ओके। और ये है हमारा सिल्वर का बेल्ट है। ये सबका बेल्ट अलग अलग होता है? हाँ जी, जितना ट्राइब है उन सबका अलग अलग है ना। और ये जो लगाते हैं ये हम पंगदेन कहते हैं। पंगदेन, पंगदेन, पंगदेन। याद करने में मेरे को आधा पूरा घंटा लग जाएगा। ये अभी और हम लोग ग्राउंड के लिए ऐसे सिंपल पहना है। अच्छा, पूरा अभी लगाया नहीं है, शाम को होगा असली। ओह, शाम को देखना पड़ेगा असली। मतलब ये आधा तैयार हुए अभी। अच्छा तो शादी वादी में भी ऐसा ही कुछ पहनते हैं, उधर कुछ अलग होता है? नहीं, शादी में फिर शादी का जोरा का हिसाब से कुछ कुछ अलग। तो उसमें क्या कितना डांस, ये डांस परफॉर्मेंस के लिए शादी के लिए अलग होता है? And
तो ये हमारे को कुछ ट्राइब के बारे में बता रहे हैं कि ये जो पीछे डांस हो रहा है, ये कौन सा डांस बोलते हैं इसको? ये एक आदि का वॉरियर डांस है। वॉरियर डांस है। और ये कहाँ का ट्राइब है? ये आदि का आदि ट्राइब है। आदि ट्राइब। हाँ। ऊपर से हो गया, अब हम जा रहे हैं एक हॉन्टेड प्लेस, नाम नहीं मेरे को पता, जगह का नाम है कुछ जोली, जोली पे जाके। और ये जितना कैमरा हिल रहा है ना उसमें कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हम बैठे गए, एक ये इंसान और एक हम ऐसे, क्योंकि जगह नहीं है तो हम थोड़ा सा एडजस्ट कर करके जा रहे हैं। तो जी बहुत ही ना हमारी बम्पी राइड थी, मतलब खड़ 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 तो खड़खड़ के बाद हम खड़खड़ कर देंगे, खड़के ग्लासी साड़ी है तेई। हम दोनों जा तो रहे हैं भूतिया हवेली पे, भूतिया ही है ना, भूतिया ही बोला, भूतिया भूतिया तो भूतिया हवेली पर, पता नहीं अंदर जंगलों में कहाँ लेके जा रहे हैं। बाबा कहाँ लेके जा रहे हो हमारे को? अभी ये जुली है, जुली बोलते हैं ये एरिया को। हाँ। तो नीचे जाएंगे। हाँ। तो कितना दूर चलना है हमारे को? अभी थोड़ा बहुत चलना ही है, थोड़ा बहुत चलना है। ओके चलो, ये देखो वेरी गुड लड़की। तो मानते हैं, ये बोल रहे हैं कि गोस्ट वोस्ट है वहाँ पर, हैं या चले गए हैं? है, मतलब क्या, आप तो छुट्टी मनाने ना चले गए हो, पर हम बोलते हैं ऐसा, बोलते हैं कि हैं। और हम बड़ा ध्यान ध्यान से फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं, कुछ आइडिया नहीं है। थोड़ा सा ना बारिश हुई थी ना दो दिन पहले, उसकी वजह से मिट्टी थोड़ी अच्छी है और कहीं कहीं से धस भी रही है, तो ज़्यादा नहीं है क्योंकि नीचे वो पहुंच गए। और यार ये क्या है नीचे, ओहो ये देखो तो सही यार, नीचे ऐसे नहीं समझ में आएगा तुमको। अभी नीचे पहुंच के अपने सिंह साहब को ही उड़ाएंगे। तो जी अब या तो पानी पानी के अंदर से जाइए या पत्थर पत्थर के ऊपर से जाइए, वैसे पानी का अपना फील होएगा, बट अभी हम पानी में उतरे नहीं है। हमने सोचा कि जहाँ पर बहुत ही इमरजेंसी होगी वहाँ पर, क्योंकि जूते को भी हाथ में उठाएं, कैमरे को भी हाथ में उठाएं, तो सब चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो यहाँ पर जूते उतारने पड़ रहे हैं, पानी थोड़ा ठंडा है, मज़ेदार है, पर मज़ा आ रहा है। तो हम लोग पानी पानी से क्यों नहीं जा रहे, शायद इसीलिए क्योंकि हम गिर गए तो हमारे पास इक्विपमेंट इतना है, इसलिए हम थोड़ा सा नदी से बाहर निकलते हैं और काम ख़त्म करते हैं। ये सबसे टफ पार्ट था यहाँ का, जो क्योंकि अगर इधर से आते इस वाली साइड से तो बहुत ही गहरा था, तो हमने डिसाइड किया कि हम ऊपर से जाएंगे। चलो देखो जी, ये पानी जो था ना आगे बहुत ही गहरा था, तो काफ़ी लोग आगे चले गए हैं बट हम नहीं गए, क्योंकि हमने क्या सोचा कि कपड़े कोई मतलब नहीं है, पर हमने ड्रोन उड़ाने की कोशिश की और बहुत ही अंधेरा था तो कोई जाके ऐसा लगा नहीं। तो चार लोग, दो लोग जो कैमरा में आते नहीं है वो, और दो लोग जो कैमरा के आगे ही रहते हैं वो यहाँ पर खड़े होकर आपको बता रहे हैं कि आगे पानी बहुत ही गहरा है, नहीं मान रहे तो देख लो। चाहे ये है पानी का सोर्स, यानी कि यहाँ तक तो ठीक है, उसके बाद आगे जाते जाते इतना इसकी कमर तक पानी चला जाएगा, बाकी पूरा घनघोर जंगल है। हम यहाँ पर बैठ गए हैं हमारे बैग। तो अब सीन ये है कि हम उनका सिर्फ वेट करेंगे यहाँ पर, चिल करेंगे और कुछ फोटोग्राफी करेंगे जो आपको इंस्टाग्राम पे दिख जाएगी। अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करेंगे। शेट, लोग कहते हैं यहाँ पर पत्थर मारते हैं, यहाँ पर तो पेड़ पौधे भी मार रहे हैं। डरो मत, आ जाओ। देखो जो बोलते होते थे ना कि पत्थर मारते हैं, आज का टाइम थोड़ा इंप्रूव हो गया, थोड़ा अपडेट हो गया, थोड़ा फॉरवर्ड हो गया, तो आजकल पत्थर नहीं मार रहे, सीधे पेड़ पौधे गिरे, डायरेक्ट आपको दिखाया गया। अभी
is crazy man. The best kind of wet guys. सब गीला हो गया. Not in a good way. सब गीला. फैल गए हम फैल गए. मैं वाटरफॉल तक नहीं गई लेकिन बहुत सरियल था सब कुछ. ये हमारे पैर की हालत देख लो पहले. समझ गए. सॉरी. देखो आज ना हमारे को सच के ज्ञान की प्राप्ति हो गई है. सत्य को सत्य का ज्ञान हो गया है कि जो जूते पहन के फील है ना वो तुम क्या जानो रमेश बाबू. समझो तुम समझो इस बात को. इसमें अलग ही फील है. पता जब पत्थरों के बाद तुम्हारे पैर को फोम मिलता है और सॉक्स की गर्माहट मिलती है. ओए ओए मैं कह रहा हूँ करो ना परांठे से दही भी फेल हो सामने. ये जो इधर से फ्रेम काटा गया वो स्पेशली मेंशन करके काटा हमने. हमारे को वो लड़क इसकी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं आई एथू. तो क्या है कि ये जो लाइटिंग का इफेक्ट है ना पहले ये देख लो. तो हमने सोचा ये जो सबसे बुरा वक्त होता है ना ब्लॉग का एंड करना वो करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर खड़े हैं. और ये कह रहे हैं कि हम क्या बोलें क्या बोलना चाहते हैं कैसा रहा आज का दिन ये कुछ बताना चाहते हैं. करे तो करे क्या बोले सर. तो हमारे को समझ में नहीं आ रहा ये मैं बता रहा हूँ. ये सब लोग ना कल इसीलिए बोल रहे थे सबने पोका पिया था. आज सब शांति से आज सब घर के वो सज्जन बच्चे हुए हुए हैं जो माँ बाप हमेशा चाहते थे कि बने. और हम वो बिल्कुल नहीं बन पाए. हमारी कोई गलती नहीं है इसमें. वो पोका अच्छा उसने अर्ज किया. लास्ट शायरी पहले एक सुन लीजिए. हाँ अर्ज किया है. ठीक है आपका ख्याल रखो. अस्सी का ख्याल रखें. चंगा फिर रब रखा फिर ऐसे देखो मैं ऐसे करता हूँ. रब रखा रब रखा. वन टू थ्री ठीक है. चंगा जी आपका ख्याल रखो. अस्सी भी आपका ख्याल रखेंगे. रब रखा फिर वाह वाह.